जाएगी तो लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से मार्केट में अगर कोई सस्ता भी दे रहा है तो वो चीज हमेशा ध्यान में रखें, काम की क्वालिटी हमेशा A1 होनी चाहिए। कस्टमर चूक न जाना, काउंटी कार आना। सेंसर वाली है, देखो जीरो भी देख पाओगे यहाँ से, पूरी जीरो जीरो फिटिंग है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई लगा दिया किसी और का फ्रेम, ये देखो मैं हिला के भी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? अगर गिरनी होती तो भाई गिर जाती। गेट बहुत हार्ड है इसका, क्यों भाई? टाटा है तो गेट हार्ड है। सारी कार कंपनीज को टाटा से गाड़ी बनाना सीखना चाहिए। इस बजट में डेड पैडल मिलना, ग्लॉसी हैंडल मिलना, ट्विटर सोर्स मिलना जिसके अंदर ट्विटर नहीं है जो हम लगा देंगे, पैकिंग मिलना। अदर कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती है पन्नी लगा के, बट इसकी क्वालिटी देख पाओगे कितनी जबरदस्त है। और जिस चीज के लिए हम आज की गाड़ी में डैम्पिंग कर रहे हैं वो भी देख पाओगे। मैं चाहता हूँ कि पूरा डोर जो है सील पैक बॉक्स बने, हम फुल शीट डैम्पिंग करने वाले हैं इसके अंदर। अभी भाई पंच में बहुत जबरदस्त काम, तो आज दिखाई देंगे, बोलेंगे नहीं, आज दिखाएंगे सबको, सबको दिखाएंगे, सब बोलता है लेकिन हम दिखाते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज मैं आया हूं आप लोगों को लेकर काउंटिंग कार्स पे, जहां पे पंच का सारा सामान मिलने वाला है आप लोगों को, जो जो आप लगवाना चाहते हो सब कुछ मिलेगा। अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इतनी वेराइटीज है ना, मैं एक वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा। सब्सक्राइब करके रख लो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, पर्टिकुलरली आप लोगों को स्पीकर्स के बारे में बताऊं, पर्टिकुलरली अपनी एलईडी एचआईडीज के बारे में बताऊं, पर्टिकुलरली आपको सीट कवर की क्वालिटीज दिखा पाऊं। अगर आज की वीडियो में दिखाऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, स्टीरियो स्पीकर कंपनी से आते हैं, बट इसको हम चेंज करेंगे और अपग्रेड करेंगे और साथ में डैम्पिंग भी करेंगे। अगर आप सेम तरीके का काम कराना चाहते हो तो आप आ सकते हो काउंटिंग कार्स पे, जो कि है करोल बाग में, और यहाँ पे आप देख पाओगे लैंडमार्क है बेदी मोटर्स, और काउंटिंग कार्स आपको गूगल मैप पे भी मिल जाएगा। और ये हनुमान मूर्ति का गोल चक्कर है, जैसे ही आप करोल बाग को उतरोगे, उतरते ही पहले कट के अंदर आप देख पाओगे कि सेकंड शॉप जो है वो काउंटिंग कार्स है। अब टाइम आ चुका है कि इसके अंदर हमने फ्लोरिंग करनी है नीचे की तरफ। सबसे पहले बता देता हूँ, जो कारपेट होता है कंपनी का, ये बहुत ज़्यादा डस्ट एब्जॉर्ब करता है। साथ में इसके नीचे भी देख पाओगे कि ये इसके नीचे अपना फोम पैडिंग होती है, और उसके सबसे नीचे इसका बेस लेयर होता है, ताकि जो भी पानी है वो फ्लोर तक ना जाए और एब्जॉर्ब करे उसको। बट जो पानी टाइम टाइम जाता है तो क्या होता है, नीचे की फ्लोरिंग गलने के चांसेस होते हैं आपकी गाड़ी के अंदर, उसी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास आ जाती है ये शील्ड वाली प्रो शील्ड किट, जिसकी क्वालिटी आप देख पाओगे यहाँ पे किस तरीके की है। ये फोम और अपना PU का मिक्सचर होता है, यहाँ पे देख पाओगे। अगर इन केस आप इसकी जो कपिंग जब रेडी हो जाएगी और उसके अंदर अगर आप पानी डालते हो, मैं टेस्ट भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा, तो पानी अपना फ्लोर के नीचे पेनिट्रेट नहीं करेगा, इसी के ऊपर रहेगा। दो ऑप्शन है, या तो आप उसको साफ कर लो, या विद द टाइम वो इवेपोरेट हो जाएगा, बट इसको पेनिट्रेट करके वो नीचे फ्लोरिंग तक नहीं जाएगा। इसको क्लीन करने के लिए आपको वैक्यूम क्लीनर यूज करना पड़ेगा या फिर ड्राई क्लीनर के पास जाना पड़ेगा। बट अगर आप इसको क्लीन करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ गीला कपड़ा लेना है, और गीले कपड़े से जब आप इसको साफ करोगे ये क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ये PU मटेरियल आप इसके ऊपर देख पा रहे हो, तो ये पूरा PU है। आराम से जब आप इसको गीले कपड़े से साफ करोगे, ये आपका पूरा साफ हो जाएगा। और जब फिटिंग आएगी वो पूरी 0-0 आएगी, यानी कि पूरा अपना बाउंड्री के थ्रू ये टकिन होने वाला है, और जिस तरीके का लुक आपको अभी मिल रहा है सेम लुक मिलेगा आपको इसके साथ। फ्लोरिंग के अंदर अपनी इस तरीके की वेलक्रोज आती है, ये देख पाओगे यहाँ पे वेलक्रो लग गई है, ये वेलक्रो अपना फ्लोर के साथ चिपक जाती है, और पीछे की तरफ इसमें गम होता है बहुत जबरदस्त तरीके का। ये फर्स्ट टाइम है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले हर कोई सिलाई वाली चला रहा है भाई। जी सिलाई वाली चला रहा है, फर्स्ट टाइम आई है, डाई वाली वो भी काउंटिंग कार पर आई है, बस फर्स्ट टाइम आई है। और स्टॉक भाई पूरा है पंच का, आपको सामान भी आज की वीडियो में दिखाते रहेंगे। लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है कार मोटर्स के चैनल को, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि अगली वाली जो मैं पंच की वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले देखने को मिल जाए, प्लस व्यूज जाने चाहिए इस पे। स्टीरियो कंपनी ने ये वाला दिया है, और अभी कौन सा स्टीरियो लगाएंगे? हाइपरसोनिक सिस्टम लगा रहे हैं प्रॉपर, 216 कार पहले वाला। इंटीरियर करना है, पिलर करना है, हाँ हाँ ठीक है, और दरवाजे में ऑरेंज करूंगा, दरवाजे में ऑरेंज करेंगे, मतलब इंटीरियर जो है जबरदस्त तरीके से रेडी होने वाला है इसका। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो मेक श्योर अभी से आप लाइक कर दो। आगे फॉग लैंप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे जो है IPH लगाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें जो स्पेस है अपनी 3 इंच की है, और 3 इंच में IPH आपके लिए बेस्ट आउटपुट देगा। यहाँ पे आपका हेलोजन यूनिट आती है, इसके अंदर H4 लगेगा, इसमें चाहो तो आप LED या HID दोनों ही अपग्रेड कर सकते हो। अपनी 90 वॉट्स की ये हेडलाइट की LED है। अगर हेडलाइट में आप लोग चाहते हो कि आपको ब्राइटनेस चाहिए नेक्स्ट लेवल वाली, HID लगानी है, तो ये प्रोजेक्टर्स होते हैं, ये जिस दिन मैं इंस्टॉल करूंगा उस दिन आप लोगों को बताऊंगा। एक IPH का है, एक ऑटो पी का है, ये मेरी गाड़ी में लगा हुआ है, जबरदस्त आउटपुट है कि आप लोग ले सकते हो भाई 90 वॉट की जबरदस्त वाली LED। इसकी ब्राइटनेस जो है मैं आपको रात को दिखाऊंगा, लेकिन सच बता रहा हूँ आपको शायद इसकी भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो इससे भी अच्छी वाली चीज है वो हमारे पास आ चुकी है, वो है IPH प्रोजेक्टर। ये भी मेरी गाड़ी में लगे हुए हैं, हमने स्विफ्ट में लगाया, बलिनो में लगाया, अर्टिगा में लगाया, 3 इंच के प्रोजेक्टर होते हैं। मैं आपको क्वालिटी दिखाना चाहूंगा किस तरीके की आ जाती है भाई, ये इसकी पूरी फिटिंग आती है,
हाई बीम लो बीम दोनों इसके अंदर है। क्रेटा की फॉग लाइट का जो रिस्पांस है वो अच्छा नहीं है, तो हमने इसको भी इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप इसको एक बार ऑन कर लोगे, ऑन करने के बाद कोई चांस ही नहीं है कि आपको हेडलाइट की नीड पड़े, बट जो क्वालिटी है वो क्वालिटी है। ये है भाई हमारा क्लियर लेंस का 3 इंच का IPH प्रोजेक्टर, वाटर प्रूफ, हाई बीम लो बीम दोनों। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है भाई क्या मेरी वायरिंग जल जाएगी, गल जाएगी, ओवरलोड हो जाएगी। 90 वॉट इसको हमने ट्राइड एंड टेस्टेड है स्विफ्ट से लेके ऑल्टो तक में, तो ये तो टाटा की गाड़ी है तो उसको तो आप छोड़ दो। अगली चीज अपनी हाइपर विजन एंड 65 वॉट, ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है स्विफ्ट में और बलिनो में, अर्टिगा में, तो ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, कोई ओवरलोडिंग का सीन नहीं है। तो इसके साथ जो रिस्पांस आएगा ना रात में बहुत जबरदस्त आएगा। ये जो है इसका हाई लो बीम का शटर है, शटर भी अंदर से अगर आप लोग देख पाओ तो इसके अंदर एक शटर होता है जो हाई बीम लो बीम दोनों करता है। अगर कोई बहुत बेसिक जाना चाहता है तो बेसिक जाने वालों के लिए ये जो कि कंपनी लगा के देती है रिफ्लेक्टर वाले, तो ये वाली चीज अगर आप लोग चाहो तो लगवा सकते हो अपनी गाड़ी में अगर आप टाइट ऑन बजट हैं। बट अगर एक बारी आप क्वालिटी ले लोगे, एक बारी आपने क्वालिटी देख ली, तो उसके बाद आप जरूर ये लेने वाले हो। 90 वॉट की इसका ये बैलेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ये 90 वॉट का, ये भी जिप टाई से लग जाएगा। इसमें टाई बेल्ट मारने के लिए लोकेशन दी हुई है। ये अपना प्लग एंड प्ले होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पीछे ग्रीन और ब्लैक वाली वायर आप देख पा रहे हो आई गेस, तो ये वाली जो वायर है ये है अपनी कंपनी की। इसके अंदर अपना ये सॉकेट जो है प्लग एंड प्ले हो गया और अंदर की तरफ लाइट भी प्लग एंड प्ले हो गई। अब मैं आपको ब्राइटनेस दिखा देता हूँ, ये डे टाइम का रिस्पांस है आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। ये आपका बिल्कुल डे टाइम का रिस्पांस है, नाइट टाइम में बहुत जबरदस्त होने वाली है यही चीज आप लोगों के लिए। पार्किंग लाइट अभी इसकी येलो है, इसको हम व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे तो एक नेक्स्ट लेवल लुक हो जाएगा। मतलब व्हाइट जो है पूरी थीम आपकी ऊपर से नीचे मैच हो जाएगी। कोई हमने खोल रखी थी सामने गाड़ी में से बोरी, तो ये ऊपर की लाइट आती है बिल्कुल जो हैरियर वाली लुक आती है ना वो इसी से आती है। और हैरियर वाली लुक कब आएगी, जब आप येलो लाइट को व्हाइट में कन्वर्ट कर लोगे। ये अपनी हैलोजन बल्ब आता है कंपनी की तरफ से, ये अपना एलईडी बल्ब आता है हमारी तरफ से, है हमारी तरफ से है बोलो भाई जी, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से भैया को गिफ्ट आई है। तो ये भैया का गिफ्ट गाड़ी के अंदर लग गया, देख पाओगे भाई बियर्ड वियर्ड बना लिया भाई ने आजकल, क्या बात है, फुल भाई का प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया भाई का। ये देखो ये पीवीसी के अंदर आती है अपनी पंच की पूरी और इसके अंदर भाई लाइट ब्लू लाइट जलेगी। ये मैं आपको दिखाऊंगा एंड में जब लग जाएगी। पीछे की थोड़ी छोटी होती है बिकॉज स्पेस कम होती है, आगे की अच्छी खासी लेंथ में होती है बिकॉज आगे स्पेस काफी ज्यादा फ्रंट डोर के अंदर पैसेंजर के लिए। एक सबसे शॉर्टकट तरीका बता दो जो बहुत टाइम से मार्केट में चल रहा है इसका प्लेट लगाने का, वो कौन सा तरीका है? यहाँ से अर्थिंग देंगे और ये वायर जा रहा है यहाँ से करंट देंगे। अच्छा, और उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा यहीं से चल जाएगा, यहीं से चल जाएगा। और उसमें कस्टमर का क्या नुकसान होगा? कस्टमर का ये है कि जब बाद में कभी गाड़ी खुलवाएंगे 2-3 साल बाद तो उनकी वारंटी वो लॉस हो जाएगी, वो जब पता चल गया कंपनी को तो वारंटी लॉस हो जाएगी। अब आप कैसे करोगे ये बताओ मेरे को। सर पूरी वायरिंग घुमाऊंगा यहाँ से यहाँ तक ले जाकर उस साइड पिलर में, और उस साइड पिलर में ये जो रूफ लाइट की वायरिंग आ रही है उसके कपलर में वायरिंग दूंगा, कपलर टू कपलर करूंगा। अगर आप लोग वायर बचाओगे सबसे पहले तो कॉस्ट कटिंग हो गई क्योंकि आपने मेहनत नहीं करनी पड़ी, यहीं से आपको करंट मिल गया, सब मिल गया। और जब पूरी वायर डलेगी और वहां तक जाएगी तो लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से मार्केट में अगर कोई सस्ता भी दे रहा है तो वो चीज हमेशा ध्यान में रखें, काम की क्वालिटी हमेशा। फ्रंट वाला इतना बड़ा है, हाँ फ्रंट वाला इतना बड़ा है, मैं कह रहा था काम की क्वालिटी हमेशा A1 होनी चाहिए। A1. ये जो सिल्वर वाली वायरिंग है ये इंस्टॉल करी गई है जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, पूरी जाएगी ऊपर की तरफ, वो देखो यहाँ से ऊपर जाएगी। यहाँ इस पिलर के अंदर अपना कपलर होता है, वहाँ पे कनेक्शन होते हैं। जब आपका डोर ओपन होगा तो आपकी ये वाली लाइट जलती है अपनी डोर पे, तो उसी का करंट का कनेक्शन होता है कपलर में से। जब आपका डोर ओपन होगा ये वाली लाइट आपकी जल जाएगी। और ये अपनी पूरी वायरिंग है, ये ऑल द वे पीछे गई है, पीछे के बाद इधर से नीचे से उधर गई है, फिर उधर आई है और यहाँ पे आके खत्म हो गई है क्योंकि इसका लास्ट पॉइंट है, इसके आगे कहीं नहीं जाती। तो यहाँ पे सेम उस तरफ आके ये खत्म हो गई है और यहाँ से इसका कनेक्शन होता है। तो ये यहाँ पे पैरेलल सीरीज के अंदर अपना कनेक्शन देते हुए जाती है लाइट, और लाइफ लॉन्ग काफी अच्छी। दिखा देता हूँ, ये दो नंबर है आपके कॉल करने के, 8008-9604-36437-3484। इन दोनों नंबर पे कॉल करके आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। और अगर अभी तक कार मीटर्स को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज काम जो है नेक्स्ट लेवल हो रहा है गाड़ी के अंदर। और सेम काम कराना चाहते हो तो आ सकते हो। कहाँ ना भाई सेम काम कराने के लिए, हमारे पास आइए, कॉल लगाइए, काउंटिंग कार्स हम नियर बाय हनुमान मंदिर के पास, हमारे सामने ये पैरामेट की डैम्पिंग है जो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। पैरामेट की डैम्पिंग की थिकनेस अपनी 2 mm की आ जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और CTK का सब्सटीट्यूट है उससे कम रेट में। तो यहाँ देख पाओगे, ये देखो थिकनेस आपके सामने है। और अभी इसके अंदर लगाएंगे तो फुल पैकिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे डैम्पिंग हो चुकी है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉर्नर होते हैं जहाँ रोलर नहीं चल पाता वहाँ भाई यूज करते हैं। अपना दिखाना भाई वो
आप जैसे डैम्पिंग कर रहे हो और आपके पास रोलर नहीं है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अपनी बैक साइड से। देखो कितना प्लेन हो गया ये, और बाकी अदरवाइज जो जहाँ जहाँ रोलर चलता है वहाँ वहाँ रोलर आप इजीली चला सकते हो, जैसे चल रहा है वहाँ पे ये आपका बैठता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से डैम्पिंग पूरी डन करी जाती है। यहाँ से भी देख पाओगे इतनी अच्छी पेस्टिंग हो गई है कि अब उतरने की नहीं है दोबारा यहाँ से। ये डिफरेंस आता है आपका डैम्पिंग लगाने के बाद। ये पैरों वाली कंट्रोल है, ये भी लगने जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। और एमएस लाइट भी लगेगा। एमएस लाइट इस तरीके की लुक आएगी, लग जाएगी तो आप लोग देख पाओगे इसके अंदर किस तरीके के अंदर से दिखा देता हूँ। आरएल वायर होती है, सस्ते वाले में 2500 का आता, 2500 वाला है। लेकिन इसमें मैं एक चीज बता देता हूँ, कभी भी लो ना भाई ये मोटापा देख के ले लो, क्योंकि जितनी ज्यादा ही थिकनेस होगी ना उतनी अच्छी लाइट निकल के आएगी, सही है। और इसके अंदर कितनी एलईडी है भाई, खोल के दिखा दो। ये 12 LED वाली है, सही है, सेक्सी है। अब इसमें ऐप कंट्रोल है, इसको स्कैन करना है और आपका ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं भाई अपने स्पीकर की तरफ। ये जो है स्पीकर फाइनलाइज हो रखे हैं अपने JBL GTO, जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। ये है अपना GTO का कंपोनेंट, यहाँ देख पाओगे किस तरीके का कंपोनेंट है, इसकी कौन देख पाओगे। मैग्नेट कोइल भी दिखाता हूँ, ये देखो। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करो तो भाई कंपनी का जो स्पीकर है ना वो इसके आगे कहीं भी नहीं टिकता। अंदर की तरफ इसकी स्पाइडर भी देख पाओगे कैसी है। और ये अपना पूरा मैग्नेट कोइल है इसका पीछे का। ये 90 वॉट कंटिन्यूस एवरेज के हैं, 270 वॉट की पीक है इसकी, यानी कि 270 वॉट के अपने कॉम्पोनेंट रहते हैं यहाँ पे। इसके अंदर अपने ट्विटर्स भी आ जाते हैं। ये है इसका ट्विटर, आप देख पाओगे। ये ट्विटर मैं लगाऊंगा ट्विटर सोर्स में, जैसा कि आपने भी देखा था, मैंने दिखाया था कि कंपनी ने ऑलरेडी ट्विटर के लिए स्पेस दे रखी है। ये है इसका क्रॉसओवर, इसके अंदर क्रॉसओवर क्या करता है, लोग इसको मिनी एम्पलीफायर बोल के दे देते हैं कि भाई मिनी एम्पलीफायर है, इसकी कॉस्टिंग एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपका पूरा बॉक्स के अंदर ही निकलेगा। ये अपना JBL का है GTO, और यहाँ पे देख पाओगे 0 decibel है जब आप इसको ऊपर की तरफ कर दोगे, और 3 decibel प्लस में हो जाता है इसका जब आप इसको प्रेस कर देते हो। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये इन है, यानी कि स्टीरियो से जो दो इनपुट आ रही है, दो वायर यहाँ लगेगी प्लस माइनस की, दो आपकी लगेगी ट्विटर में यहाँ वाली प्लस माइनस की, और दो आपकी लगेगी यहाँ पे अपने स्पीकर्स के लिए जो कि यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स है। तो ये इसमें लगेगा, ये इसका आउटपुट इनपुट दोनों होता है। इसका काम होता है हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करना। जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो आपकी जाएगी ट्विटर के अंदर, ताकि ट्विटर के अंदर से जो छनकार है सारी हाई फ्रीक्वेंसी है वो इसके अंदर से निकले, और जो आपकी मिड फ्रीक्वेंसी है वो सारी आपकी इसके अंदर आएगी, ताकि जो वोकल है वो आपका ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर निकले। तो ये वाली जब अगर आप कंपोनेंट लगा रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट है लगाने के लिए। इन बजट जाना चाहते हो गो फॉर JBL प्रीमियम में। अगली वीडियो बनाऊंगा, सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं आपको स्पीकर और अच्छे से समझा पाऊँ। बट ये अगर आपको चाहिए, बेस चाहिए, सब कुछ बैलेंस चाहिए, तो JBL का GTO बेस्ट है अपने बजट के अंदर। ये थे अपने स्पीकर जो कि कंपनी की तरफ से आते हैं। तो इसमें आप मैग्नेट देख पाओगे, इसका मैग्नेट बहुत छोटा है, बट जो हमने लगाया उसका बहुत सही था मैग्नेट, और मैंने आपको सब दिखाया था। ये स्पीकर अपना टाटा की तरफ से आ रहा है, हरमन इंडिया लिखा हुआ है इसमें। ये देख पाओगे ये अपना कंपनी का है, और ये वाला अपना GTO का है। डिफरेंस आप लोगों के सामने है, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। और बिल्कुल जो है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इसकी। पेपर कौन क्या है देख पाओगे, गत्ता है अपना पूरा का पूरा। तो ये वाले इसमें लग के आते हैं। यहाँ पे हमने GTO लगा दिया है, जिसमें पहले रिंग लगानी पड़ती है, तो ये प्लास्टिक की रिंग लगाई गई है, और अभी अपने GTO टाइट हो रहे हैं इसके अंदर। आउटपुट बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और ये जो मैंने आपको ट्विटर दिखाया था अपना, ये ट्विटर जो है अपना यहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे हम इसके अंदर, इसको खोलने के बाद। कर दिया इसके अंदर क्या? अच्छा, एक लग चुकी है, ये वायर आ चुकी है, ठीक है। सो एक लग चुका है, ये वायर आ चुकी है अपनी, ये वायर अंदर की तरफ जा रही है वहाँ पे क्रॉस ओवर तक। और यहाँ पे प्लेसमेंट आपको दिखा देता हूँ, ये प्लेसमेंट आप देख पाओगे यहाँ पे करी गई है डैम्पिंग के थ्रू, और अच्छे तरीके से हो गई है। तरफ आ जाते हैं तो अपने सिस्टम की ओपनिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले आपका AC वेंट ओपन करना पड़ेगा, और उससे पहले आपको पूरा अपना लेफ्ट वाला डैशबोर्ड ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर से जो भाई ने भी एक पैनल खोला है, ये वाला पैनल आपका खुलेगा। उसके बाद आप रेडी टू गो हो अपना स्टीरियो खोलने के लिए। ये अपनी सीट कवर है, जिसका खुलने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देख पाओगे ये अपनी पूरी स्टिचिंग निकल रही है, जो कि खोली जाती है। इसके अंदर ये ब्लैक वाला ब्रैकेट देख रहे हो, यही वो ब्रैकेट है जो इस सीट कवर को पीछे खींच के रखता है। जैसे आप यहाँ देख पाओगे, जब मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उठ नहीं रहा और ना ही निकल रहा है। अब जब हम अपना सीट कवर लगाएंगे, बकेट करेंगे, तो ये वाली जो लाइन है अपनी, ये ब्लैक वाली जो है, क्या कहते हैं भाई इसको, काले वाले को क्या कहते हैं, तन्नी कहते हैं काले वाले को। तो भाई जो तन्नी है ये हम अपनी नए वाले सीट कवर में लगाएंगे, और उसके बाद इसके नीचे जो आप ये कॉपर कलर की देख रहे हो, ये कॉपर कलर के अंदर हम इसको दोबारा लॉक करेंगे। कवर हमारे आ चुके हैं, यहाँ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, और देसी भाई थोड़ा सा समझाएंगे भाई फैब्रिक कौन सा रहता है, क्या क्वालिटी है, सस्ते में भी मिल जाएगा, महंगे में भी मिल जाएगा, तो क्या देखना चाहिए, आप बताओ क्या चीज है भाई। नापा कपड़ा है, ठीक है। और दिखा देते हैं भाई नापा किस तरीके का आ जाता है अपना। यहाँ देख पाओगे
और ये अपना हमने सेलेक्ट करा अपनी कार से मैचिंग करने के लिए बिल्कुल, और सेम अपने नायलॉन थ्रेड की स्टिचिंग दी गई है, अपना ब्लैक कलर का पूरा नापा इंस्टॉल हुआ है। इधर देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने आपको ब्लैक वाला पोर्शन बता रहा था कि ब्लैक वाला पोर्शन इसमें डलता है, ये भाई ने आपके सामने डाल दिया इसके अंदर। अब यही पोर्शन जो है इसको लॉक करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अपने गोल्डन वाले के अंदर। तो ये अपना गोल्डन वाला, यहाँ पे आप चूड़ियाँ देख पाओगे, तो ये चूड़ी है, इस चूड़ी के अंदर इसको लॉक करेंगे अपने सी क्लिप को यूज़ करते हुए। तरीके से अपने इसके अंदर लगाया जाता है सी क्लिप, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यही सी क्लिप जो है अभी इसके अंदर माउंट होना शुरू होगा। यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे अपना गोल्डन वाला सामने आ चुका है और ये हो गया अपना माउंट यहाँ पे। उसको कर देंगे भाई पूरा टाइट। अब ये जो है यहाँ से निकलेगा नहीं, इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए पूरी सीट कवर के अंदर यहाँ पे बकेट होगी, साथ ही साथ फिनिशिंग आएगी आपकी 00 पूरी, जैसे कंपनी के साथ आपके सीट कवर आते थे ना बिल्कुल पैक हुए हुए, सेम उसी तरीके के सीट कवर इसके ऊपर आएंगे। अभी सीट कवर अपनी जो है इंस्टॉलेशन हो गई है, अपनी बकेट जो है वो कम्प्लीट हो गई है, बट ये जो फोम आया है, फोम का भाई क्या यूज़ कर रहे हो आप भाई? तो यहाँ पे जो है पैडिंग हो गई है एक्स्ट्रा, यहाँ पे देख पाओगे अभी ये जब खींचेगा टाइट होगा तब प्रॉपर फिनिशिंग आएगी और ये पूरी हाई डेंसिटी फॉर्म है। ये है अपना स्टीयरिंग कंट्रोल जो कि आपके बेस मॉडल के अंदर नहीं आएगा कंपनी की तरफ से, तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आप ट्रैक पीछे आगे वॉल्यूम ऊपर कम ज्यादा वॉल्यूम कर सकते हो और अपना जो कॉल पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ से जब कॉल नहीं आ रही होगी तो यही बटन आपका म्यूट का भी काम करेगा और ये बटन आपका वॉइस कमांड का काम करेगा, इनके साथ वॉइस कमांड वाला स्टीरियो परचेज करते हो। जिसमें फर्स्ट टाइम इन इंडिया ग्लव बॉक्स के अंदर लाइट लगाई गई, जब भी आप ग्लव बॉक्स खोलोगे इसके अंदर आपकी जलेगी व्हाइट लाइट। को लगाने के लिए यूज करना पड़ता है अपना ऐसा, जब ये अपना चिपक जाए पूरा तो जब इसको पकड़ के आप ऐसे ऐसे करो तो ये हिले ना, बाकी भैया यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं ये लाइटर लगाए यहाँ पे। ये बहुत जबरदस्त वाली चीज आती है इस गाड़ी में, नहीं आती लेकिन हमने लगाया टाटा का। यहाँ पे आप देख पाओगे कि लाइटर इंस्टॉल हो चुका है, दोनों ही हॉर्न लग चुके हैं। अब मैं आपको आउटपुट सुनाऊंगा कि कैसी आउटपुट आती है, एक बारी भाई हॉर्न बजा के दिखाओ कि कैसी आउटपुट आती है। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसा आता है, इसमें वैसे सिंगल हॉर्न आता है कंपनी की तरफ से बट यहाँ पे हाइड्रोसोनिक का हॉर्न इंस्टॉल हो गया, क्रेटा टाइप जो कि साउंड आता है। ये अपना डोर पैनल है जो कि टाटा पंच का है, तो ये हमने सेम रेडी करा अपने सीट कवर के लिए ताकि ये पूरा इंटीरियर जो है बहुत जबरदस्त तरीके से मैच हो जाए इसके साथ। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि फिटिंग बहुत जबरदस्त वाली आई है, कॉर्नर्स आप लोग देख पाओगे। जब भी मैंने क्रेटा सेल्टोस में भी आप लोगों को इंटीरियर दिखाया तो मैंने एक ही चीज़ बोली है कि हमेशा आप लोगों ने ध्यान रखना अपने कॉर्नर्स का, किस तरीके से क्लैरिटी से काम होता है, क्या क्वालिटी होती है, हमेशा क्वालिटी मैटर करती है। और यहाँ पे भी आप क्वालिटी देख पाओगे सारी चीज़ें, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरी ए टू जेड दिखाऊँ डोर के अंदर। तो ये अपना फर्स्ट डोर है जो आ चुका है, अब ये फिटिंग के लिए जाएगा, इसके बाद और भी डोर आएंगे जो आपको फाइनल शॉट्स में देखने के लिए मिलेंगे। बट एक चीज़ जो मैं आपको लाइट में दिखा सकता था फुल क्लैरिटी के साथ वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और ये सेम वही लेदर है जो हमने यूज़ करा अपने सीट के लिए ताकि दोनों में जो है टच वाइज या फिर क्वालिटी वाइज कोई डिफरेंस ना रह जाए, क्योंकि वो भी टच करेंगे ये भी टच करेंगे तो ऐसा ना लगे कि ये अलग है और वो अलग है, तो सेम जो है अपना नापा यहाँ पे आप देख पा रहे हो। टाटा पंच का टाइम आ चुका है कि मैं आप लोगों को लाइट का रिस्पांस दिखाऊं। यहाँ हमने DRL लगाई है, पार्किंग लाइट येलो आती है इस वाले मॉडल में, इसको व्हाइट किया गया है, 90 वॉट की LED है और 75 वॉट की अपनी HID है। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है भाई इतनी हाई एंड लाइटें लगाऊंगा तो क्या मेरी बैटरी डाउन हो जाएगी, क्या मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम होंगे, क्या मेरी वायरिंग शॉर्ट हो जाएगी। आपके सामने 90 प्लस 75 की लाइटें जल रही है यहाँ पे, 90 वॉट 75 वॉट और अपनी DRL का जो पूरा लुक है आप वो यहाँ पे देख पाओगे। सेल्टोस में जान डाली थी इसलिए आज के टाइम पे टाटा पंच के अंदर हम लोग जान डालने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये अपना पूरा लाइटनिंग का आउटपुट है, यहाँ पे IPH प्रोजेक्टर हर कोई जुगाड़ पे फिट करता है बट हम लोगों ने जो चीज़ फिट करी है वो आपका फ्रेम टू फ्रेम जाएगा, पूरा का पूरा फ्रेम है। ये अपना IPH प्रोजेक्टर है 3 इंच का यहाँ से और अपना 1.5 इंच ऐसे, तो यहाँ पे देख पाओगे ब्राइटनेस की क्वालिटी क्या रहती है। रोड पे भी आप लोगों को दिखाऊंगा, 90 वॉट की LED यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। पार्किंग लाइट व्हाइट आप यहाँ पे देख पाओगे, अगर दूर से देखोगे तो मिनी हैरियर वाली आपको लुक मिल जाएगी यहाँ पे, मान लो एक छोटी हैरियर आप लोग देख रहे हो। साथ में अपना ऊपर का DRL आता है जिसके अंदर आपको इंडिकेटर का कनेक्शन भी मिलता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ टाटा पंच का रिस्पॉन्स, ये बिना लाइट वाली अपनी गली है यहाँ पे और इसमें मैं आपको टाटा पंच का रिस्पॉन्स दिखाऊंगा। हमारा काम है आपको बेस्ट आउटपुट देना, हम आउटपुट देंगे। अभी अपनी ऑन हुई है HID, सिर्फ HID है, फॉग लैंप यानी कि फॉग लैंप जले हुए, सिर्फ आपके हेडलाइट अभी तक बंद है। ये अपनी पार्किंग लाइट है, सिर्फ लाइट देती है, इसकी अपनी ब्राइटनेस रोड पे नहीं होती। अपने प्रोजेक्टर ऑन हुए हैं, पहला यू देख पाओगे, दूसरा यू देख पाओगे, यहाँ से अपने प्रोजेक्टर ऑन होते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसा रिस्पॉन्स है अपने प्रोजेक्टर्स का। ये अपनी लो भी ऑन हो गई है, दोबारा बंद करके आपको बताता हूँ कितना डिफरेंस आता है अब आप लोगों के सामने, कितना डिफरेंस आता है। अब मैं अपनी LED भी ऑन करूंगा, यहाँ पे मैंने अपनी LED ऑन करी लो बीम में और ये इसका हाई बीम है। अब HID के आगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा कितनी लाइट है। ये पूरी लाइट बंद कर दी है भाई, ये पूरी ऑन कर रहे हैं, कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है अपनी लाइट के अंदर। अगर मैं सामने वाले को डिपर भी मारूं
तो उसकी आंखें चौंधी आ जाएगी, शायद इसकी भी चौंधी आ रही होंगी। लेकिन अभी आप लाइट का रिस्पांस देख पाओगे। फर्स्ट टाइम है इंडिया के अंदर जहां पे आप लोग देखोगे टाटा पंच के अंदर स्टीरियो लगा हुआ है। ये 9.1 इंचेस का आता है। काफी लोग बोलेंगे कि 10 इंचेस का स्टीरियो हम लगा रहे हैं, बट 9.1 को वो राउंड ऑफ करके कह देते हैं कि भाई 10 इंचेस का है। बट अगर आप जब इसको ऐसे करके नापोगे डायगोनली, ये आपका 9.1 इंचेस ही निकलेगा। फिटिंग की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ज्यादा बात नहीं करते हम लोग। हम नहीं कहते भाई ये लगा देंगे वो लगा देंगे, हम सीधा काम दिखाते हैं। अब मैं आपको काम दिखाता हूँ। ये आपका पूरा 0 to 0 आएगा। स्पेसिंग आप लोगों के सामने है, मैंने सारा काम आप लोगों को दिखाया। ये आपका स्टीरियो 0 to 0 आएगा। तो अभी भाई देख पाओगे यहाँ पे सीट कवर का काम कर रहे हैं, तो भाई ने वो वाला डोर खोल रखा है, तो यहाँ पे आप डोर देख पाओगे बैक साइड का। मैं अपने वाला भी खोल देता हूँ एक बारी। तो ये मैंने अपने वाला खोल दिया, तो ये ड्राइवर साइड का भी दिखा रहा है। कैनवस वाली यूनिट लगती है अपने टाटा पंच के अंदर। नॉर्मल यूनिट लगवाओगे पैसे आपके बच जाएंगे। तो यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे ये इसकी फिटिंग है 0-0। सबने आपको सिर्फ बताया है कि स्टीरियो लगा है, ये लगा है, वो लगा है, लेकिन मैं 0-0 फिटिंग दिखाऊंगा आप लोगों को। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि कार सेटिंग है। कार सेटिंग में सिस्टम इन्फो देखोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि 2GB 16GB का आप स्टीरियो देख पाओगे। अंदर अगर आप चाहो तो एप्पल कार प्ले वाला ले सकते हो 2/32 के अंदर, लेकिन ये 2/16 है आपका एप्पल कार प्ले वाला। तो Z-Link आपने ओपन करनी है, इसके बाद आप एप्पल कार प्ले कनेक्ट कर पाओगे। फर्स्ट टाइम इन इंडिया वाली चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ग्लव बॉक्स में जो लाइट कंपनी की तरफ से आती है वही लाइट आप लोगों को यहाँ मिलेगी। एक चीज और मेक श्योर करूंगा कि आप सेंसर वाली लगवाओ। सेंसर दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ये देखो ये होता है सेंसर, ठीक है। अभी बंद भी नहीं किया मैंने। फ्रिज खोलते हो ना, फ्रिज खोलते हो हल्का सा खोलते हो लाइट जल जाती है, हल्का सा बंद करते हो बंद हो जाती है। अब मैं आता हूँ अंदर की तरफ, आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या आप लोग चेंज करवा सकते हो। सबसे पहली रिकमेंडेशन होगी, अगर इंटीरियर बनवा रहे हो इस तरीके का, अपनी रूफ ब्लैक करवा लो। बहुत अपना एफिशिएंसी से आपका जो है बजट फ्रेंडली रूफ ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे कि माइक की प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पे अपनी जो लाइट आती है वो हैलोजन आती है, बट हमने इसको एलईडी में कन्वर्ट करा है। बूट लाइट को एलईडी में कन्वर्ट करा है। नंबर प्लेट की लाइट ऑलरेडी एलईडी में आती है, उसको चेंज नहीं करा। फ्रंट की दो पार्किंग लाइट को एलईडी में कन्वर्ट करा है। अगर आप लोग मेरे से रिक्वेस्ट करोगे तो मैं यहाँ की जो लाइट है उसके अंदर अपना जो है लाइट लगा के इसको भी एलईडी में कन्वर्ट कर दूंगा। कोई जुगाड़ वाला काम नहीं हुआ, जो हुआ है वो प्रॉपर हुआ। इस स्टीरियो भी देख पाओगे यहाँ से पूरी 0-0 फिटिंग है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई लगा दिया किसी और का फ्रेम, ये देखो मैं हिला के भी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर गिरनी होती तो भाई गिर जाती। अगेन कहना चाहूंगा भाई जुगाड़ वाला काम नहीं है, प्रॉपर वाला काम। अगर आप लोग टाटा पंच ले रहे हो तो टाटा पंच के अंदर आप काम कराओ प्रॉपर वाला, क्योंकि गाड़ी जो टाटा की है फुल सॉलिड वाली। अगेन चलते हैं गाड़ी का, ये जो है ये एडवेंचर एडिशन था, तो इसमें जो ऑरेंज थी ये बॉडी कलर के अंदर हो रखी है। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए टैन हमने अंदर दे रखा है। पूरा डैशबोर्ड जो है ये डिफरेंट शेड के अंदर था, बट हमने इसके अंदर टैन का लेदर दिया है। इसमें भी अगेन दिखाना चाहूंगा 0-0 हर तरफ से। जब भी आप इंटीरियर करवा रहे हो अगेन आपने 0-0 का ध्यान रखना है, हमेशा कॉर्नर प्रॉपर होने चाहिए। मैंने जब डोर पैनल दिखाया था तो भी बताया था, यहाँ पे जो ए पिलर है ये भी हमने अपना लेदर रैप करा है। इसमें भी मैं चाहूंगा आप लोग अपने सारे कॉर्नर नोटिस करो, और इसके अंदर भी पूरा आपका 0-0 कटिंग के अंदर 0-0 फिनिशिंग है। अभी जो है ये मक्खी वाली लाइट, ये लाइट वाली मक्खियां घूम रही है इसके अंदर, इसको आप इग्नोर करना। आप चलते हैं अपने सीट कवर की तरफ। ये है अपने डुअल स्टिच के अंदर टैन कलर के अंदर, यहाँ देख पाओगे ये अपना ब्लैक नापा है, ये अपना डुअल स्टिच है, ये अपना ऑरेंज है। तो ये पूरी फिटिंग है इसके अंदर। इसके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं आपके लिए, जैसे कि कुछ भाई आ गए कहेंगे भाई सेल्टोस वाला डिजाइन दे दो, तो मैं ब्लैक विद रेड स्टिचिंग दे दूंगा। कोई आ गया क्रेटा वाला डिजाइन दे दो, तो उसके अंदर दो है, एक है आपका जीटी लाइन वाला, एक है बेज वाला, और एक है आपका अल्ट्रा कम्फर्ट वाला। अल्ट्रा कम्फर्ट वाला मांगोगे वो भी मिल जाएगा, डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, कौन सा फोम आप अफोर्ड कर सकते हो, कौन सा पोलो फिल आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आप काम करवा सकते हो। इसमें एक आर्मरेस्ट मिसिंग है, और मैंने जो है टाटा में कह रखा है मेरे को एक पार्सल ट्रे चाहिए, एक आर्मरेस्ट चाहिए बेस मॉडल वाले भाइयों के लिए। स्टीयरिंग कंट्रोल ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं अगर आप चाहोगे तो मैं वो आपको दे दूंगा। चलते हैं भाई बी पिलर की तरफ। तो यहाँ पे लेदर रैप करा है। अब इसको ब्लैक करने के लिए मैं क्यों कह रहा था, अगर आप थोड़ा सा दूर से थीम देखोगे तो यहाँ पे ये ब्लैक है पोर्शन अपना, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, और ये भी ब्लैक है। ब्लैक कलर की जो थीम आती वो काफी अच्छी आती, तो मैं चाहता था कि इसको ब्लैक कर दें, बट भैया का बजट अलाउ कर नहीं पाया। पीछे की तरफ देख पाओगे भाई, अभी अपना सीट कवर इंस्टॉल कर रहे हैं पीछे का। ये नीचे की तरफ फ्लोरिंग भी हुई है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया है कि फ्लोरिंग आपकी डाई वाली हुई है। अगर आप लोग देखोगे कोई और फ्लोरिंग तो सारी सिलाई वाली मिलेगी। अगेन कह रहा हूं मैं, ये फर्स्ट टाइम इंडिया है इस गाड़ी में। दो तीन चीजें फर्स्ट टाइम इंडिया है। पहला आपका स्टीरियो 0-0, सेकंड आपका सेंसर वाला ग्लव बॉक्स, ये फर्स्ट टाइम इंडिया है, और थर्ड आपका फ्लोरिंग, ये भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। एम्बिएंट लाइट की बात करते हैं, एम्बिएंट लाइट और पैर वाली लाइट दोनों ही ऐप कंट्रोल्ड है, आप दोनों का कलर सेट कर सकते हैं अपने फोन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग ऑटो एडजस्टिंग देख पाओगे, यहाँ पे ग्लॉस देख पाओगे, अगर बेस वेरिएंट के अंदर ग्लॉस नहीं है वो भी हो जाएगा,
यहाँ पे आप लेदर कवरिंग देख पाओगे पूरी की पूरी, सारे डोर्स के अंदर सेम रहती है अपनी लेदर कवरिंग। यहाँ पे आप देख पाओगे एम्बिएंट लाइट है, अभी रोशनी में ज्यादा समझ नहीं आएगा। नीचे की तरफ पंच की स्कफ प्लेट है, ये भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया है, अभी तक किसी बंदे ने लगाई नहीं है। फ्लोरिंग हो गई, मतलब चार पांच चीजें मैंने, स्टेयरिंग कवर रह गया हमारा, ये बहुत जबरदस्त वाला स्टेयरिंग कवर हो रखा है इसके अंदर, ओईएम टाइप वाला, ऐसा कंपनी भी लगा के नहीं देती, जिसके अंदर आपका इस डिजाइन के अंदर आपका टैन कलर जा रहा हो, ये आप देख पाओगे कितना जबरदस्त है। यहाँ पे अपने कुशन आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे कि विद आपका टैन पाइपलाइन के साथ ये अपने मेमोरी फोम के कुशन यहाँ पे आप लोगों को रेडी मिल जाएंगे। मतलब आज की वीडियो में मैंने आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई है जो कि शायद फर्स्ट टाइम इन इंडिया है, और काफी सारी चीजें ऐसी जो मैं पंच के लिए लेके आने वाला हूँ। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो ना इससे भी खतरनाक होने वाली है। ये खाली ट्रेलर था, अभी मूवी बची है, पूरी गाड़ी ऐसी बना दूंगा जो गाड़ी लेगा ना ओकेगा भाई, काम कराना तो काउंटिंग कार्स के पास कराना है। अगली चीज करते हैं, मैं आपको साउंड आउटपुट बताता हूँ जिसके लिए यूज किया गया हाइपरसोनिक का हेड यूनिट, और यूज करा गया जीटीओ का कॉम्पोनेंट फ्रंट साइड पे। पुराने वाले जो स्पीकर है वो पीछे के डोर पे लगे हुए हैं। आप आउटपुट इंजॉय करो कैसा लगता है। Knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled.